ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ बोल के लब आजाद है तेरे। और आज मेरे बोल दीपिका पाडुकोन के लिए। फिल्म अभिनेत्री दीपिका पाडुकोन, जिनकी एक फिल्म आ रही है छपाक। छपाक किसके बारे में है दोस्तों? छपाक दरअसल एक रियल लाइफ स्टोरी है, एक लड़की जिसका नाम लक्ष्मी था, एक बहुत ही खूबसूरत लक्ष्मी जिस पर एसिड अटैक कर दिया जाता है। यह कहानी है उस लड़की के संघर्ष की कहानी। यह फिल्म है उसी लड़की की संघर्ष की कहानी, और उन संघर्षों के दौर से गुजरकर वो और भी ज्यादा निखर जाती है, खूबसूरत हो जाती है। मगर आज बोल के लब आजाद है तेरे में मैं छपाक की बात नहीं कर रहा हूं, मगर छपाक की हीरोइन दीपिका पाडुकोन की बात कर रहा हूं, क्योंकि दीपिका पाडुकोन इन तस्वीरों के मुताबिक जेएनयू पहुंची। जी हां, वो जेएनयू जिसे 2016 से लगातार बदनाम किया जा रहा है, देशद्रोहियों का गढ़ बताया जा रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग, न जाने कितने जुमलों से नवाजा जा रहा है, वहां दीपिका पाडुकोन पहुंची इस लड़की से मिलने। जेएनयू एसयू की प्रेसिडेंट आयशी घोष। क्यों दोस्तों? क्योंकि आयशी घोष पर कुछ नकाबपोशों ने हमला किया जिसके चलते उसका सिर फोड़ दिया गया था। आयशी घोष की तकलीफों का अंत वहां पर नहीं हुआ। उसके बाद उसके खिलाफ मीडिया के एक धड़े ने भारतीय जनता पार्टी के 2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले ट्रोल्स ने एक बहुत ही गंदा प्रोपेगेंडा चलाया। और प्रोपेगेंडा क्या था कि नकाबपोशों का नेतृत्व दरअसल आयशी घोष कर रही थी, और न सिर्फ नेतृत्व कर रही थी बल्कि उन्होंने ही उन नकाबपोशों से कहा कि आओ भैया मेरे सिर पर मारो और मेरा सिर फोड़ो। और बात वहां नहीं रुकी। उसके बाद आयशी घोष पर FIR दर्ज कर दी गई। अगर तो आयशी घोष ने कुछ गलती की होती ना दोस्तों, तो यकीनन उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, क्यों ना हो। मगर मैं उन तस्वीरों को नहीं भूला हूं, किस तरह से जेएनयू के अंदर नकाबपोश गुंडे आते हैं, हमला करते हैं छात्रों के ऊपर, कई लोगों की पहचान साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और इस तस्वीर के मुताबिक बाकायदा, तीसरी बार बोल रहा हूं, यह किस तरह से दिल्ली पुलिस ने रेड कारपेट वेलकम किया उन नकाबपोश गुंडों का। और फिर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से आसानी से मानो कुछ मासूम बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया है और वो स्कूल के बाहर जा रहे हैं। जब दिल्ली पुलिस इस मुद्दे पर खामोश रहती है, जब गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर खामोश रहते हैं, तब जब आयशी घोष पर आप FIR दर्ज करते हैं तो मुझे आपत्ति उस बात की है। और उस आयशी घोष के साथ अपनी ताकत दिखलाने के लिए दीपिका पाडुकोन पहुंची है। मैं जानता हूं आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई उनकी फिल्म छपाक आ रही है तो हो सकता है कि उसकी पब्लिसिटी के लिए वो आई हो। अब यहां पर बीजेपी ट्रोल फंस गए। दोस्तों, पब्लिसिटी कराने के लिए इंसान कब जाता है और कहां जाता है बताइए? पब्लिसिटी कराने के लिए इंसान तब जाता है जहां उसे जाने का फायदा पहुंचे। अब भारतीय जनता पार्टी और उनके टट्टू जो हैं पिछले 4 सालों से लगातार क्या कह रहे हैं कि जेएनयू देशद्रोहियों का गढ़ है, तो भैया जहां पर दीपिका पाडुकोन को नुकसान हो रहा होगा वो वहां पर क्यों पहुंचेंगे? दीपिका क्यों पहुंची है दोस्तों? क्योंकि दीपिका ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा धड़ा जो इस वक्त खामोश है, वो लगातार देख रहा है कि सरकार किस तरह से अपने ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रही है, दिल्ली पुलिस ने किस तरह की ज्यादती की है। हम में से कई लोग खामोश हैं, कुछ लोगों को लग रहा है कि साहब हमारी हिंदुओं की बल्ले बल्ले है, ये हम ये नहीं देख रहे हैं कि इस देश की जनता को मानसिक तौर पर किस नरक की तरफ ढकेला जा रहा है, किस नफरत की तरफ ढकेला जा रहा है, हमारी नसों में नफरत भरा जा रहा है। दीपिका पाडुकोन जब वहां पहुंची तो उनके मन में जरूर रहा होगा। और दूसरी तरफ जब आप कहते हैं कि पब्लिसिटी के लिए पहुंची, तो यह साबित करता है कि कहीं ना कहीं दीपिका के अंदर वो दिल है जो इन नाइंसाफियों को देख रहा है। क्योंकि मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जब उनकी पद्मावत फिल्म आई थी तो ये करणी सेना जो एक महिला की सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे, यानी कि रानी पद्मावती की सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे,
इन लोगों ने क्या कहा था कि दीपिका पादुकोण की नाक काट दी जाएगी, वो खबर याद है कि नहीं आपको, उसकी चोटी काट दी जाएगी। इतने महान हैं ये लोग, इस तरह से ये लोग महिला सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं एक महिला की नाक काटने की धमकी देकर। आज आपको फैसला करना है दोस्तों कि आप किसके साथ खड़े हैं, वो दीपिका पादुकोण जो एक आयशी घोष के साथ खड़ी होती है, या वो लोग जो दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक को बैन करने की बात कर रहे हैं। कितनी आसानी से इन्होंने हिंसा को जायज कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर अनिमा शंकर, ये एबीवीपी की छात्रा हैं, जेएनयू में पढ़ती हैं, और इन्होंने टाइम्स नाउ में गलती से यह कह दिया कि नसीहत दी गई थी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को कि आप साथ में एसिड ले जाएं, वो एसिड जिसका शिकार लक्ष्मी हुई थी, जिस पर छपाक फिल्म बनी है। एक लड़की अनिमा शंकर नफरत में इस कदर दफने कि वो बहुत ही आसानी से एसिड शब्द का इस्तेमाल कर देती है, क्योंकि इस देश का एक इतिहास रहा, एक हकीकत रही है कि लड़कियों पर लगातार एसिड के जरिए हमला किया जाता रहा है, और ये लोग इतनी आसानी से एसिड शब्द का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इस एसिड के जरिए सबसे ज्यादा टारगेट अगर किसी को किया गया है ना, तो इस देश की लड़कियों को किया गया है। तो आज ये आपको फैसला करना है कि आप उन लोगों के साथ हैं जो एसिड के बेजा इस्तेमाल की वकालत करते हैं, या वो लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो इस नफरत का विरोध कर रहे हैं, जो इस कैंसर का विरोध कर रहे हैं। आज इन तमाम मुद्दों पर आपको गौर करना पड़ेगा। दोस्तों बात यहां नहीं रुकती है, आज हम बॉलीवुड में एक नई किस्म की सोच देख रहे हैं। इन चेहरों पर गौर कीजिए, अनुराग कश्यप, जीशान आयुब, स्वरा भास्कर, अनुभव सिन्हा, सवानंद किरकिरे, ये तमाम लोग जो है ना बहुत ही सेंसिटिव संवेदनशील लोग हैं। अगर आपने इनकी फिल्मों पर गौर किया होगा तो सामाजिक सरोकार की फिल्में बनाते हैं ये लोग, वो फिल्में बनाते हैं जो आपको अंदर से झकझोरती हैं। आज ये लोग उतरे हैं जेएनयू में, जिस तरह की गुंडागर्दी हुई है उसके खिलाफ सड़कों पर ये उतरे हैं। ये लोग जो दिल से सोचते हैं, ये लोग जो समाज को किस तरह की पोलराइजेशन की तरफ ढकेला जा रहा है उसको लेकर ये लोग चिंतित हैं। दीपिका पादुकोण उसी फहरिस्त में शामिल है। देखिए, दीपिका पादुकोण मेरी कोई बहुत फेवरेट एक्ट्रेस नहीं है, मैं ना उन्हें नापसंद करता हूं ना बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, मगर आप जानते हैं मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। इन्होंने जिस तरह से जेएनयू में पहुंचकर आयशी घोष के साथ अपनी ताकत जतलाई है, अपना समर्थन जतलाया है, उनका मुकाम बहुत ऊंचा हो गया है। मगर मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहूंगा दीपिका के बारे में। आपको याद होगा कि इनकी नाक काटने की धमकी दी गई थी, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं। दीपिका पादुकोण उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में ऐसे हैं जिन्होंने डिप्रेशन के बारे में खुलकर बात की थी। आप और हम डिप्रेशन के बारे में बहुत आसानी से बात नहीं करते हैं दोस्तों, और खासकर एक सेलिब्रिटी, क्योंकि उनके फैंस कहेंगे कि अरे दीपिका पादुकोण डिप्रेशन का शिकार थी, मगर दीपिका ने उस पर खुल के बात की थी। हम में से कई लोगों को यह कैंसर अंदर से खत्म कर रहा होता है, और जानते हैं सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है डिप्रेशन के मरीजों के साथ, समाज उनके साथ नहीं होता है। कभी कभार तो उनके मां बाप उनके साथ नहीं होते हैं, उनके मां बाप कहते हैं अरे आलसी है, अरे बहाने मार रहा है, ये डिप्रेशन विप्रेशन कुछ नहीं है, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। मगर डिप्रेशन एक कैंसर जैसा होता है। दीपिका ने अपने निजी तजुर्बों की बात करते हुए इस बड़े मुद्दे की बात की थी, मैं इसलिए इनका सलाम करता हूं। आज बहुत जरूरत है, और देखिए मैं एक बहुत दिलचस्प चीज देख रहा हूं दोस्तों, बॉलीवुड में तमाम चेहरों का तो मैंने नाम लिया ही, मगर इस वक्त आप देख रहे होंगे नफरत के खिलाफ जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सामने उभर कर आ रही है ना बॉलीवुड में, वो ये तमाम अभिनेत्रियां हैं। दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, सोनम आहूजा, स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा, पूजा भट्ट, ये तमाम लोग जो हैं खुलकर बोल रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो बड़े बड़े सितारे हैं जो खामोश बैठे हुए हैं, कौन,
माननीय अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इनके लिए ये महिलाएं जो हैं प्रेरणा का स्रोत साबित होंगी। क्योंकि आमिर खान को भी समझना होगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे जुनैद के लिए भारत एक सुरक्षित भविष्य प्रदान करे, तो आपको इस नफरत के खिलाफ बोलना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप उसकी कीमत चुकाते रहे हैं, हम सब चुका रहे हैं जो बोल रहे हैं। जो पत्रकार आज की तारीख में बोलता है, उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है, उसके लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि उसे कोई नौकरी ना दे। जो सामाजिक कार्यकर्ता बोलते हैं, उसकी जमीन और ज्यादा सिकुड़ती जाती है। जो महिलाएं उनके खिलाफ बोलते हैं, उन्हें ये बीजेपी आईटी सेल के जो चंपू हैं वो बलात्कार की धमकी देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। आज मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं, तुम जो धमकी देने वाले हो, एक तरफ दीपिका पाडुकोन है जो छपाक जैसी फिल्म बनाती हैं, जो एक एसिड विक्टिम के साथ जो अत्याचार हुआ था उस पर फिल्म बनाती हैं, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी, मगर दूसरी तरफ तुम हो जो सिर्फ बॉयकॉट कर सकते हो, जो सिर्फ मारकाट की बात कर सकते हो, जो सिर्फ झूठ का प्रसार कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है, तुम सिर्फ झूठ का प्रसार कर सकते हो, क्योंकि इस पूरे जेएनयू प्रकरण में तुमने अगर कुछ किया है तो झूठ का प्रसार किया है। आज तुम्हें आत्ममंथन करने की जरूरत है, आज तुम्हें देखने की जरूरत है कि आज तुम भक्ति के चलते एक पॉलिटिकल पार्टी के तलवे जरूर चाट रहे होगे, मगर तुम्हारा भविष्य तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुमने खुद को नफरत के इस एसिड में जिस तरह से दफन कर दिया है, जिस तरह से छपाक तुमने छलांग लगाई है नफरत के इस एसिड में, तुम अपना भविष्य तो बर्बाद कर रहे हो, मगर अपनी आने वाली पीढ़ियां, उन्हें तुम एक रसातल में दफन कर रहे हो। मगर मैं जानता हूं कि इन लोगों को बोलने का कोई फायदा नहीं है, ये तो सिर्फ भक्त हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि हमारे समाज में, हमारे आसपास कई पढ़े लिखे लोग जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो टीचर्स हैं, आज वो किस कदर से ब्रेन वॉश्ड हैं उसको लेकर मेरे पास शब्द नहीं है। तथा कथित फॉरवर्ड कास्ट, जिन्हें पूरा एक्सपोजर है, वो किस कदर ब्रेन वॉश्ड हैं उसको लेकर मेरे पास शब्द नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि दीपिका पाडुकोन और उनका साहस और उनके जैसे तमाम लोग, वो तमाम महिला पत्रकार जो आज इस नफरत के खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए हैं, ये एक प्रेरणा साबित हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं, मगर उम्मीदों का क्या है ना। मैं जानता हूं दिस कंट्री विल रन इट्स फुल कोर्स व्हेन इट कम्स टू हेट्रेड। मैं ये भी जानता हूं कि चाहे मैं जितना भी बोलूं, आप लोगों की मानसिकता में कोई फर्क नहीं आने वाला है। आप पर तब फर्क पड़ेगा जब आपकी आंखों पर से ये जो चादर है, ये जो चश्मा है ना, वो हटेगा, जब आपको निजी तौर पर नुकसान होगा इस नफरत का। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि इस देश की 15% आबादी को या 20% आबादी को बदनाम करके, उन्हें टारगेट करके आप खुश रह पाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है दोस्तों। आप ये नहीं जानते हैं कि इस नफरत में दफन होकर आप अपना नहीं, आप अपने बच्चों का किस कदर नुकसान कर रहे हैं। अपने आसपास नजर डालिए, आप लोगों के पास, जिन लोगों के पास एक्सेस है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की क्या बदनामी हो रही है। यह भी देखिए कि क्या इस देश में अब कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अपने घरों में झांकिए, नौकरियों को लेकर कितना बड़ा अकाल है, कितनी बड़ी असुरक्षा है। मगर चूंकि आपने धर्म का धतूरा चाटा हुआ है, आप ये तमाम चीजें नहीं देखेंगे। मगर जो लोग देख रहे हैं, चाहे बॉलीवुड की तमाम अभिनेत्रियां हों, चाहे वो पत्रकार हों जो इन मुद्दों को लेकर सवाल उठाते रहते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी बातों का एक सिरा थामकर आप प्रकाश की तरफ बढ़ेंगे। वो क्या कहा गया है, असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। मैं आपके लिए भी ऐसे ही सुखद भविष्य की कामना करता हूं। बोल इलाब आजाद है तेरे। नमस्कार।